नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित है दिल्ली नर्सरी एडमिशन से। बहुत सारे लोग कमेंट के माध्यम से रोज़ मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस साल जनरल कैटेगरी का यानी कि सामान्य श्रेणी के बच्चों का नर्सरी क्लास में एडमिशन हो पाएगा। जो लोग EWS कैटेगरी में आते हैं वह यह सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या EWS कैटेगरी के माध्यम से इस साल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। जो लोग DG कैटेगरी के तहत आते हैं ऐसा ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या DG कैटेगरी का इस साल नर्सरी कक्षा में दाखिला हो पाएगा। वह लोग जिनके बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत है वह भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमारे बच्चे का इस साल RTE के माध्यम से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत नर्सरी कक्षा में दाखिला हो सकता है। ऐसे रोजाना हजारों की संख्या में मुझे सवाल आ रहे हैं और आपके सभी सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूँ। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और हो सके तो यह वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर 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 करिएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि कुछ हफ्ते पहले हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री और दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री जी जिनका नाम है श्री मनीष सिसोदिया, उन्होंने ये कहा था कि वह सोच रहे हैं यानी कि दिल्ली का शिक्षा विभाग जिसे हम कहते हैं DOE यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या इस साल नर्सरी कक्षा के दाखिले रद्द किए जा सकते हैं। उनका कहना था क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन होगी और नर्सरी कक्षा में जरूरत होती है बच्चों को सामने बैठकर पढ़ाने की, इसीलिए वह चाहते थे कि इस साल नर्सरी कक्षा के दाखिले रद्द हो जाएं और अगले शैक्षिक सत्र में जो इस साल नर्सरी कक्षा के दाखिले रद्द हुए हैं उन बच्चों को KG कक्षा में दाखिला मिले। यानी कि अगले साल जो बच्चे उम्र के हिसाब से नर्सरी में जाएंगे उनका नर्सरी में होगा और जिनका इस साल नर्सरी में दाखिले रद्द हो जाने की वजह से दाखिला नहीं हो पाया उन्हें सीधा KG में दाखिला मिलेगा। इस पर मैं वीडियो भी लेकर आई थी, मैंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी थी कि मेरे ख्याल से यह फैसला सही नहीं होगा। आपने भी कमेंट के माध्यम से मुझे कहा था कि बच्चों का साल बर्बाद हो जाएगा, बच्चे घर में चाहे ऑनलाइन क्लास ही पढ़े लेकिन कुछ तो पढ़ेंगे। स्कूल की प्रिंसिपल्स ने भी, प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने भी यह बात कही थी कि ऐसा अगर कदम उठाया गया तो वह गलत होगा। और फाइनली आखिरकार हम सभी की जीत हुई है। हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने हाल ही में यह बयान दिया है कि दिल्ली में इस साल नर्सरी कक्षा में दाखिले होंगे। जी हाँ, दिल्ली में इस साल नर्सरी कक्षा में दाखिले होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि यह कोरोना काल है इसीलिए दाखिले थोड़ा सा दाखिलों में विलंब आएगा यानी कि थोड़ी सी देरी से शुरू होंगे लेकिन जरूर होंगे। सबसे पहले आप सभी जानते हैं जब दाखिला प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य श्रेणी के बच्चों का दाखिला होता है, उसके बाद EWS DG कैटेगरी के बच्चों का दाखिला होता है। इसीलिए यदि आप अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली में जनरल कैटेगरी के तहत करवाना चाहते हैं, सामान्य श्रेणी के तहत करवाना चाहते हैं, तो आपको परेशान हताश होने की जरूरत नहीं है। हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में इस बार नर्सरी कक्षा में दाखिले होंगे और यदि आपका बच्चा EWS कैटेगरी या DG कैटेगरी के तहत आता है तब भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि EWS और DG कैटेगरी के तहत भी नर्सरी कक्षा में दाखिले होंगे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी हम सभी के लिए, क्योंकि यदि दाखिले नहीं होते तो बच्चों का पूरा एक साल बर्बाद जाता और जब अगले साल बच्चा KG कक्षा में दाखिला लेता तो वह नर्सरी की पढ़ाई भी करता और KG की पढ़ाई भी करता और बच्चे पे बहुत ज्यादा भार आ जाता और साथ ही साथ पढ़ाने वाले टीचर पे भी आ जाता और साथ ही साथ स्कूल पर भी आ जाता। इसीलिए ये जो फैसला लिया गया है हम सभी के लिए भलाई के लिए लिया गया है, हम सभी इस फैसले से खुश हैं और हम दिल्ली के शिक्षा विभाग, दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप सभी से यह मैं फिर से कहना चाहूंगी कि यदि आप अभी तक सबकी शिक्षा के बढ़ते परिवार से नहीं जुड़े हैं तो सबकी शिक्षा के बढ़ते परिवार से आज ही जुड़िए, यानी कि सबकी शिक्षा को आज सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बटन के साथ एक घंटी का निशान है जिसे हम बेल आइकन कहते हैं, उसे भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं दिल्ली नर्सरी एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ला रही हूँ, आगे भी लाती रहूंगी। जैसा ही ऐलान हुआ था कि इस साल नर्सरी में दाखिले नहीं होंगे मैंने वीडियो लानी नहीं छोड़ी क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मुझे लगता है कि यह फैसला बदला जाएगा और यह फैसला बदला गया, नर्सरी एडमिशन हो रहे हैं।
तो जनरल कैटेगरी यानी सामान्य श्रेणी के तहत दाखिले की सारी जानकारी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दाखिलों की सभी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। साथ ही स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जब दाखिले शुरू होंगे तो उसकी भी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। दिल्ली में जितने भी प्रकार के स्कूल हैं उन सभी के नर्सरी दाखिलों संबंधित जानकारी मैं आपके लिए लाती रही हूं और लाती रहूंगी। इसीलिए सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो सुनकर आपको बहुत 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 खुशी होगी, जैसे कि मुझे हो रही है। तब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।